दूसरी बार ऐसा होगा दिस कॉल इज आपको नाउ फिर बीइंग से रिकॉर्डेड। लेफ्ट करके ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। लास्ट क्लास में काफी बेसिक सा कंसेप्ट हमने सीखा था, घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में काफी सारे चीज, घटाओ में काफी सारे चीज आपको पहले से पता थे, है ना। जैसे सिंपल सा सब्ट्रैक्शन हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी हो, या हासिल वाला हो, ये सारी चीजें आपको पता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी दो संख्या हो, या सिर्फ दो संख्या ही नहीं, कोई भी दो क्वांटिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, दो किसी दो भी लोग किसी दो लोग का उम्र हो, कोई भी दो चीज का वजन हो, किसी दो चीज का रेट हो, प्राइस हो, है ना, मूल्य हो, आपको अगर उन दोनों के बीच का अगर अंतर आपसे पूछा जाए, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे अंतर पूछा जाएगा किसी भी दो चीज के बीच, अंतर का मतलब डिफरेंस, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे केस में घटाओ करते हो। आप घटा दोगे, क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि दो भाई अगर हैं, अगर मैं कह रहा हूं इसका एज 15 वर्ष है, इसका एज मैं कह रहा हूं 8 वर्ष है, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे ए बड़ा है, बी छोटा है ना। ये पहले लिखा है, एक 15 वर्ष का है तो ए बड़ा है, बी छोटा है। ए बी से कितना साल का बड़ा है, कितना साल अधिक है, कितना साल ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का अंतर देख लोगे, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सारी चीज निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे। अंतर मतलब घटा दोगे, तो 15 में से आप 8 को घटाओगे, आपको मिल जाएगा 7। तो बोलोगे ए जो है सर 20 से कितना, 7 वर्ष बड़ा है ना, 7 वर्ष बड़ा है, ठीक है, या 7 ईयर्स बड़ा है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि बी जो है ए से 7 वर्ष छोटा है। तो यहां से हमने ये सीखा कि कोई एक क्वांटिटी दूसरे वाले से जितनी बड़ी होगी, दूसरी वाली पहले वाली से उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो अंतर जब निकालोगे ना, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कोई एक संख्या दूसरे से जितना बड़ा होगा, दूसरा वाला पहले से उतना ही छोटा होगा, चाहे वो कोई भी दो क्वांटिटी हो। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, रेट हो सकता है किसी चीज का, वर्ष अंतर हो सकता है, एज का, है ना, वजन का अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने ये सीखा था कि कभी भी आप अगर एक पूर्ण संख्या को अगर दूसरे पूर्ण संख्या से घटाओगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आंसर आपका आ रहा है ये पूर्ण संख्या ही हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको यही बताया था, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दोनों ही चीज हो सकती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या में से जब एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगी, तो आप बोलोगे नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको एक बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाना है, 5 में से 0 घटाना है, आप बोलोगे सर ये 5 आएगा, तो आप देखोगे कि ये पूर्ण था, है ना, ये भी पूर्ण था। तो पूर्ण में से जब पूर्ण आपने घटाया, होल नंबर में से जब आपने होल नंबर घटाया, तो एक होल नंबर ही मिला। लेकिन अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा संख्या घटाऊं, जो आगे भी हम लोग और डिटेल में सीखेंगे, आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या तो यह भी है, पूर्ण संख्या तो यह भी है, लेकिन 0 में से 5 घटाने पर यह -5 आता है। आपको बताया गया था ना कि छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, और कोई भी नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे ये नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोनों ही चीज हो सकता है, पूर्ण आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ये बताइए, इतनी सारी चीजें क्लियर है, लास्ट क्लास में इतना ही सीखा था, ये बताइए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। कैसा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन, जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसी पर आधारित। आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करनी है, ठीक है, 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, जो भी आंसर दिखेगा, जो भी सही लगेगा उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, वोट पर क्लिक करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। सॉल्व करिए। अच्छा, अभी पोल में आपको कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ी देर में आपको मैं पोल लॉन्च करूंगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है कॉपी पर। ठीक है, सॉल्व करिए कॉपी पर, उसके बाद जो भी आंसर आपको सही लगते हैं, ए बी सी या डी, कॉपी
कॉपी पर आपको लिख के रख लेना है कि ए आंसर सही है, बी सी या डी, ठीक है। उसके बाद पोल में जाकर आंसर करना है, ठीक है, फिर कभी गलत नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको इतना इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप सारी चीजें देखी जा रही है कि आप कितना पोल में आंसर करते हो, कितना आपका सही हो रहा है, ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट हो। इसलिए सारे पोल में आंसर करिए। दो सौ छत्तीस 564 से कितना छोटा है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। 236 564 से जितना छोटा होगा, 564 564 236 से उतना ही बड़ा होगा। मतलब आपको क्या करना है, दोनों संख्या के बीच का अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस यानी अंतर देखने के लिए आप क्या करते हो, करिए। इसमें आपको सॉल्व करना होगा, आप मन में नहीं करूँ, ठीक है। आप सॉल्व करिए कॉपी पर, बिल्कुल आपको समय लगेगा, बिल्कुल समय दी जा रही है, हड़बड़ी नहीं करना है। जैसा मैं देख रहा हूं अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सभी लोग आंसर करें। जैसे ही आप आंसर देते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कुछ बच्चे का एक भी पोल में आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा मत करिए, सभी पोल का आंसर दीजिए, ठीक है, आपके लिए ही बोला जा रहा है। तीन बच्चे और रह गए, तीन बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं हुआ है। 10 सेकंड रुकते हैं, ठीक है, 10 सेकंड में मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। पांच सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया था, ठीक है। तो जो भी लोग पोल में किसी वजह से अगर नहीं कर पाते हो तो अभी चैट में लिखना है, लेकिन पोल में आंसर जरूर किया करें, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है 236 564 से कितना छोटा है, 236 564 से कितना छोटा है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा, ठीक है। अभी भी पूछा जाए कोई एक संख्या दूसरे से कितनी छोटी है, या 564 236 से कितना बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे। अंतर निकालने के लिए मैं लिख रहा हूँ 564 ऊपर बड़ी संख्या, नीचे छोटी संख्या, आप बड़ी में से छोटी को घटाओगे। एक बार मैं जल्दी से घटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारे तरीका हमने सीख रखे हैं पहले। तो आप बोलोगे सर 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो इसको मैं 14 लिख दिया। ये 14 कहाँ से आया, आगे वाले 6 से उसने हाथ से ले लिया, तो 6 से यहाँ से लिया, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 5। 14 में से 6 घटाओगे तो 8 मिलेगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा, 5 में से फिर से ये 5 में से 2 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 328 होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये क्लियर है सभी का? चैट में भी सभी के आंसर सही आ रहे थे, पोल में भी मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे। और जिन बच्चों का गलत भी हो गया था उनको ध्यान देना, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप गलती से क्लिक कर दिए, तो गलत नहीं करना, ये ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन लास्ट क्लास पे आधारित। तो आज हमें क्या सीखना है, तो आज हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, है ना, संख्याओं को गुना करना। तो गुना करने का नियम हमने पहले भी सीख रखे हैं, जब आपने शुरुआत के क्लासेस किए थे वहां पर हमने काफी सारे गुना क्या होता है इसकी परिभाषा बताई गई थी, कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने के विधि को गुणन कहते हैं, है ना। अगर एक ही संख्या को आप अगर बार बार जोड़ोगे तो उसी प्रक्रिया को गुना कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, यहाँ पर 3 क्यारी दिख रहे हैं, क्यारी नंबर 1, क्यारी नंबर 2, क्यारी नंबर 3। सभी क्यारी में क्या है, पांच पांच फूल है। तो इस वाले में 5 फूल है, इस वाले में 5 फूल है, इस वाले में 5 फूल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने फूल हो गए यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, 15 फूल, ठीक है, सीधे बोला 15 फूल। कैसा किया आपने, 5 को 3 बार जोड़ दिया, बोला सर ये 5 फिर 5 10 और 15, मतलब 5 को 3 बार आपने जोड़ दिया, ठीक है। आपने क्या किया, 5 प्लस 5 प्लस 5 और किया 15। ये मेथड 1 हुआ, ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ, पहले कैरी में 5, दूसरे कैरी में 5, तीसरे कैरी में 5। और कोई मेथड हो सकता है क्या इसके अलावा, और हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, ये बताइए।
आप बोलोगे अगर तीनों ही क्यारी में पांच पांच फूल हैं तो और हम लोग किसी और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर यहाँ देखिए, हाँ वेरी गुड, आपने बोला पांच को तीन से गुना कर दिया, 5 × 3 = 15। आप क्या कर रहे हो, पांच को 3 बार जोड़ रहे हो। ध्यान से सुनिएगा वर्ड मैं क्या बोल रहा हूँ, पांच को 3 बार जोड़ना, ठीक है? पांच को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ, पांच को 3 से गुना करना मतलब 15, ये समझ में आया? तो पांच को 3 बार जोड़ने का मतलब 5 से 3 से गुना कर देना, 5 को 3 से गुना कर दोगे 15 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 × 3 कर दिया 15 आ गया, ठीक है? अब यहां पर 3 क्या दिखा रहा है, 5 को 3 से गुना करो, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 3 को 5 से गुना करो, दोनों ही चीज सेम है। 3 क्या दिखा रहा है, कितने क्यारी हैं आपके पास, क्यारियों की संख्या बताई जा रही है। 5 क्या बता रहा है, प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं, प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं, ठीक है? सारी चीज मैं लिख रहा, तो 3 दिखा रहा है कितने क्यारी हैं, 5 दिखा रहा है प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं। तो आप यहां से देख सकते हो क्यारियों की संख्या है हमारे पास 3, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या है 5, तो 3 में 5 से आपने गुना किया 15 आ गया। मुझे एक बात बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, वाई या इन लिख के बताइएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि तीनों में 5 फूल है, तो मैं कुल फूलों की संख्या अगर आपसे पूछूं तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, बस इतना बताइए, 5 × 5 × 5, ये लिखना सही होगा क्या, यस या नो? ठीक है, तो आप बोल रहे हो नो, मतलब नहीं सर। तो 5 को 3 बार गुना नहीं करेंगे, देखो दो चीज अलग चीज हो जाता है, 5 को 3 बार गुना करना ये अलग चीज है, 5 को 3 बार गुना करना गलत होगा अभी के लिए। अगर मैं पूछूं कि कितने फूल थे, आप क्या करोगे, 5 को 3 बार जोड़ोगे, 5 को 3 बार गुना नहीं करेंगे, 5 को 3 बार जोड़ेंगे, और 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब 5 को 3 से गुना करना, 3 बार और 3 से में अंतर है कि नहीं, 5 को 3 बार गुना नहीं करना, 5 को 3 से गुना करना, समझ में आया? हाँ या ना, अंतर समझ में आया, 5 को 3 बार गुना करना और 5 को 3 से गुना करना में, ठीक है? चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं कि अगर टोटल हमारे पास 7 क्यारी हो जाए, क्यारियों की संख्या 7 कर दूं, प्रत्येक क्यारी में, मैं अभी भी कह रहा हूं कि प्रत्येक क्यारी में आपके पास 5 फूल है, तो टोटल कितने फूल हो जाएंगे, टोटल कितने फूल हो जाएंगे? आप बोलोगे क्यारी कितने हैं, 7 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं, 5 है, तो आप बोलोगे 7 × 5 35 फूल हो जाएंगे, ठीक है? ये क्लियर है, ठीक है? अगर मैं कहूं कि 8 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में 6 फूल हैं, तो बताइए क्या होगा, 8 क्यारी है 6 फूल हैं प्रत्येक क्यारी में, तो आप बोलोगे 8 को 6 से सर गुना कर दिया 48, ठीक है? तो ये सारे केस में देखो जोड़ का यूज कर रहे हैं क्या, तो जोड़ तो सकते हैं लेकिन हमने क्या किया, गुना कर दिया ना सीधा, काफी जल्दी से आंसर आ गया। तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है कि हमने गुना कहाँ पर किया, गुना क्यों किया। अगर आपको दिख रहा है ना कि प्रत्येक क्यारी में, ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या समान है, मतलब इक्वल है ना, सभी में आपको क्या दिख रहा है, फूलों की संख्या इक्वल दिख रही है, ठीक? इसमें भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5, तीनों में 5 5 फूल है, तो आपने क्या किया, गुना का प्रयोग किया, मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ऐसे केस में हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन आप हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हमारे पास फूलों की संख्या समान नहीं होती, अलग अलग होती, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले वाले में 10 फूल है, दूसरे वाले में 5 फूल है, तीसरे वाले में 8 फूल है, अब क्या करोगे, अब आप गुना नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि समान नहीं है ना, अनइक्वल है, अलग अलग है, फूलों की संख्या अलग अलग है, तब हम लोग गुना नहीं कर पाएंगे, उस केस में हम लोग योग करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, 10 + 5 + 8, तो ऐसे केस में हमको जोड़ना ही पड़ेगा और ये आ जाएगा 23, तो 23 फूल आ जाएंगे, ये क्लियर है, ये समझ में आया कि कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तो अगर इक्वल क्वांटिटी को आपको बार बार जोड़ना रहेगा, समराइज में कर रहा हूं,
एक ही चीज को, इक्वल क्वांटिटी को, समान चीज को बार बार अगर आपको जोड़ना रहेगा तो आप गुना कर दोगे, ठीक है। अगर अलग अलग क्वांटिटी है तो, अलग अलग क्वांटिटी है तो आप उसको क्या करोगे, आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है, तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। 8 × 5 कितना होता है, जल्दी से मुझे बताइए। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये तो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कम समय लगेगा ना, काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। एट को 5 से गुना करना है, 8 × 5। आपको टेबल याद है, पहाड़ा याद है, 8 पंजे कितना होता है, 8 का टेबल या 5 का टेबल याद है, आप काफी जल्दी से कर लोगे। अच्छा, इसमें भी एक आंसर गलत आया है, ऐसा क्यों? चलिए 10 सेकंड रुकेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए, कुछ बच्चों के नहीं आए, 5 बच्चे अभी हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो, अब 4 बच्चे और हो। देखो ऐसा नहीं करना है कि एक पोल का आंसर किया बाकी का नहीं किया, तो हर एक पोल का आंसर करिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं, आप सीधे बोलोगे सर 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी के आंसर सही थे, ठीक है। सिर्फ एक आंसर गलत आया था, बाकी सभी के आंसर सही थे, ठीक है। तो 8 पंजे 40 होता है ना, 8 को 5 से गुना करोगे 40 मिल जाएगा। तो एक अंकों की संख्या से, एक अंकों की संख्या को गुना करना, तो ये तो सीधे आसान है, सीधे कर लोगे। मैं अगर पूछा हूँ 3 × 9 कितना होता है, आप बोलोगे 27। अगर मैं बोलो 5 × 4 कितना है, आप बोलोगे 20। तो इसमें तो सीधे सीधे आप टेबल ही पढ़ दोगे, इसमें तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके पास अगर 2 अंकों की संख्या है, 58 को 15 से गुना करना है, इसका क्या तरीका होता है? 58 को आप अगर 15 से गुना करोगे तो आप बोलोगे सर 58 की, सबसे पहले तो ये सीखिए कि 58 को 15 से गुना करो या 15 को 58 से गुना करो, ये दोनों सेम आएगा कि नहीं? ये दोनों इक्वल आएगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। a × b करो या b × a करो, दोनों ही बराबर होंगे, इतना क्लियर है। अब इसको मैं गुना करने के लिए क्या कर रहा हूँ, गुना करने के लिए आप कुछ इस प्रकार से लिखते हो, है ना, 58 ऊपर लिखा, 15 नीचे लिखा। अब क्या करेंगे, जो नीचे जो संख्या है, जल्दी जल्दी मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझिएगा, नीचे जो संख्या लिखी गई उसका जो लास्ट डिजिट है, इकाई का जो अंक है 5, उसको आप गुना करोगे ऊपर के इस वाले नंबर से, 5 को 8 से गुना करोगे। तो 5 को 8 से आपने गुना किया, कितना मिला, 8 पंजे 40, 40 लिखूंगा क्या मैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 40 नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, सिर्फ एक अंक लिखते हैं जो लास्ट में लिखा होगा, इकाई का अंक लिखेंगे 0, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे 0। अच्छा, चैट सेक्शन में नहीं लिखना है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना वो लिखिए, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो 5 को 8 से गुना करोगे आपको 0 मिल गया, 40 मिला, तो 40 का बस 0 लिख दिया, ठीक है। ये जो 4 दिख रहा है आप, ये 4 जो है ये हमारे पास हासिल है, इसको आप कहते हो हासिल, ये बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, काफी बच्चे 850 850 लिखते हैं, तो ये नहीं करना है कि एक बच्चे ने जो आंसर दिया वही आप लिखते जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि सभी के आंसर गलत हो, ठीक है। अब क्या करोगे, 5 को, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 को 8 से गुना किया, 40 आया, 40 का 0 लिखा, 4 हासिल है, 5 को 25, 5 से गुना किया, 5 पंजे 25 होता है। अब इस 25 में इस 4 को आपको जोड़ना है, 25 और 4 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, मुझे बताइए जल्दी। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो चैट में आंसर दीजिए, आप बोलोगे 25 में 4 को जोड़ा सर आपको 29 मिलेगा, ठीक है, 29 मिलेगा। 29 का क्या लिखोगे, सिर्फ आखिरी अंक 9 लिखोगे, है ना, सिर्फ 9 लिखोगे। अच्छा, यहां पर आप क्या रखोगे, पूरा 29 लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि इस 5 के आगे और कोई संख्या है क्या, यहां पर कोई और संख्या नहीं है, तो 5 को और किसी संख्या से गुना नहीं करना, तो आप जो पूरा 29 आया था ना वो पूरा ही 29 हमें लिखना होगा, ठीक है, और भी कोई संख्या रहती तो सिर्फ 9 लिखते, समझ में आया।
अगर कोई और भी संख्या रहती आगे, 5 के आगे मान लो कुछ और भी संख्या रहता तो सिर्फ 9 लिखते, लेकिन अभी के लिए हमने कोई और संख्या नहीं है तो 29 लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब अगली संख्या को आप देखिए, अब अगली संख्या 1 दिख रही है। ठीक है, अब 1 को गुना करोगे 8 के साथ, तो 1 को 8 से गुना किया कितना मिला, आपको पता है 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी, तो 8 मिलेगा। 8 को यहां लिखोगे क्या, ये बताइए ये सही है क्या? यशियन, 0 के नीचे 8 लिखेंगे? तो नहीं, 0 के नीचे 8 नहीं लिखेंगे। आप क्या करोगे, आपको पता है कि 0 के नीचे आप एक क्रॉस लगाते हो, ठीक है, 1 × 8 यहां पर लिखोगे, सेकेंड वाले नंबर के नीचे लिखोगे। ठीक है, अब 1 को 5 से गुना करोगे 5 मिलेगा और यहां पर 5 लिख दोगे। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, है ना, इनको आप जोड़ दोगे, तो यहां पर मैं एडिशन का साइन लगा दे रहा हूं। इसको आप ऐड करोगे तो मिलेगा 0, 9 और 8 को जोड़ा तो आपको मिलेगा 17, 17 का मैं 7 लिख रहा हूँ, 1 हमारे पास हासिल रहा, 5 और 2 को जोड़ा तो 7 मिला और 7 में 1 जोड़ा तो 8 मिला, तो 870 मिला। ये क्लियर है सभी का? इस तरीके से कर लेंगे, इतना बताइए। ठीक है, चलिए ये मेथड तो हो गया, हम लोग एक और मेथड सीख लेते हैं, एक और मेथड सीखते हैं, मेथड 2। ठीक है, मेथड 2। अब मेथड 2 पहले बताने के पहले मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ, मेथड 2 आपको हमेशा नहीं लगाना है, आपको तभी लगेगा जब इन दोनों संख्या में से किसी एक का पहाड़ा आपको याद है। मुझे बताइए 58 और 15 में किसी एक का पहाड़ा आपको याद है क्या? 58 और 15 में किसी एक नंबर का टेबल याद है, हाँ या ना? आप बोलोगे 15 का टेबल याद है, देखो आप इस तरीके से लिखो, 58 लिखोगे यहाँ, यहाँ पर लिखोगे 15, ध्यान से सीखेगा काफी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर अगर हमें एक टेबल याद है 15 का, तो आप 15 का टेबल पढ़ दो, 15 को 8 से गुना करो, 15 अट्ठे कितना होता है, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उतना बताइए, 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे, आप बोलोगे 120। अब 120 आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ एक अंक लिखिए, तो सिर्फ आखिरी वाला अंक लिखिए 0। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0, हासिल कितना रह गया, तो 12 रह गया ना ऊपर में, है ना, 12 रह गया यहाँ पर, तो 12 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 12 मैं लिख दिया, अब 15 की आप गुना करो 5 के साथ, 15 की गुना करो 5 के साथ कितना होगा, 15 × 5 कितना होगा, 15 के 5 से गुना करो कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। अब इस 75 को 12 से जोड़ दो तो आप देखो एक बार में आपका आंसर मिल गया 870, है ना, तो एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। ऐसे कर लेंगे, ये बताइए, ऐसा कर लेंगे, लेकिन ये मेथड हमेशा लगेगा क्या? ये मेथड हमेशा नहीं लगेगा, इन दोनों में से किसी एक का टेबल याद रहेगा तभी लगा पाएंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपको ये बताना है कि 34 × 76, आपको 34 का भी टेबल नहीं आता है, 76 का भी टेबल नहीं आता है, तब हम लोग मेथड 2 नहीं कर पाएंगे, है ना, मेथड 2 नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए 64 × 13, आप क्या करोगे, आपको पता है कि 13 का टेबल मुझे आता है ना, आप बोलोगे 13 × 52, है ना, 13 × 52 का 2 लिखा, 5 कैरी रहा। ठीक है, आप क्या करोगे, 13 × 78, 78 में 5 जोड़ दो, 78 में 5 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 83 मिलेगा, तो आप बोलोगे 832 आएगा सर। एक बार में आ गया आंसर, ये बताइए, कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो अगर दो संख्या को गुना करना हो, फिर से मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं, अगर हमें दो संख्या को गुना करना हो तो उसके लिए मेथड क्या है हमारे पास, अगर दो अंकों की संख्या हो तो मेथड तो यही वाला है। ठीक है, मैं काफी चीज यहां पर मिटा दे रहा हूं, मेथड तो यही वाला है, लेकिन अगर हमें दो ऐसी संख्या को गुना करना हो दो अंकों की जिसमें किसी एक का टेबल याद है, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से, आंसर कहां करिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, आपको बस 53 को 15 से गुना करना है, जो भी मेथड आपको लग रहा है सही उस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, 53 × 15,
दो मेथड पता है आपको, जैसे भी आपको सही लग रहा है वैसे आप करो। बस आंसर सही होना चाहिए, खुद से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको। छह बच्चे अभी हो जिनका आंसर नहीं आया है, अब पांच बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। तीन बच्चे और हो, जल्दी से आप आंसर कर दो। बाकी सभी का आंसर आ चुका है और सभी का आंसर सही आया है, इसमें एक भी आंसर गलत नहीं आया है। ठीक है, टेन सेकंड रुकते हैं। ठीक है, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। आपको करना क्या है, 53 को 15 से गुना करना है। आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों में से जो भी कर सकते हो आप। तो मैं पहले वाले तरीका से कर रहा हूँ, 53 लिख रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं 15 लिख दिया, इसको गुना करना है। अब 5 को गुना करोगे 3 से, 5 3 15 का सिर्फ 5 लिखोगे, एक हमारे पास हासिल आया। ठीक है, 5 को 5 से गुना करोगे 25 और एक जोड़ दिया तो 26, तो यहाँ पर लिख दिया 265। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एक क्रॉस लगाओगे। ठीक है, एक क्रॉस लगाते हैं एक अंक के नीचे। अब एक को गुना करोगे 3 से तो आपको मिलेगा 3, एक को गुना करोगे 5 से आपको मिलेगा 5। अब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, तो इनको जोड़ोगे तो मिलेगा 5 6 3 9 और 5 2 7, तो 795 हमारा आंसर है। ये क्लियर हुआ, 795 हमारा आंसर हुआ। इसी तरीके से सभी ने किया होगा ना। ठीक है, सभी के आंसर सही थे, मतलब सभी को आ ही रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इसको आपको ध्यान से पहले पढ़ना है, ठीक है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ आपको। अभी पोल में आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं दिखेगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। माइक के पास 42 कार्ड है, माइक किसी का भी नाम है, 42 कार्ड है उसके पास, 42 कार्ड है। प्रत्येक कार्ड में, मतलब ईच कार्ड में 15 स्टिकर है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक हमारे पास कुछ इस प्रकार का कार्ड है। ठीक है, आप लोग खरीदते भी होंगे स्टिकर, है ना, ठीक है, जो आप बुक पे चिपकाते हो, है ना। तो इस वाले एक कार्ड में, इसे कहूंगा एक कार्ड, अब इस एक कार्ड में कितने स्टिकर है, तो इसमें टोटल 15 स्टिकर है इसके अंदर में। ठीक है, तो माइक के पास टोटल कितने स्टिकर हो जाएंगे, कुल स्टिकर कितने हो जाएंगे, और टोटल 42 कार्ड है। तो सॉल्व करिए। अभी पोल में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब आंसर कर सकते हो आप, जाकर आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप मिलता जुलता बोल सकते हो, जो हमारे पास क्यारी और फूल वाला क्वेश्चन था, कि तीन क्यारी हैं, प्रत्येक क्यारी में 5 फूल है, तो हमने 3 को 5 से गुना कर दिया था, 15 फूल बोले थे। बिल्कुल उसी के जैसा है, 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो टोटल स्टिकर बताइए। टोटल 42 कार्ड, प्रत्येक कार्ड में अगर 15 15 स्टिकर हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी काफी लोगों ने आंसर दिया है, और अभी मैं देख पा रहा हूँ 13 4 लोगों का आंसर नहीं आया है। तो लास्ट क्वेश्चन में काफी लोगों ने आंसर किया था, अब
अब 3 लोग और बच रहे हो, ठीक है, और मैक्सिमम सभी के आंसर तो सही है, काफी अच्छी बात है, सिर्फ एक दो आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिनका भी नहीं हुआ जल्दी से आप आंसर कर दो, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, यहां पर आपने क्या समझा? आपको मैं बता रहा था कि माई के पास टोटल 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास 3 क्यारी थे, प्रत्येक क्यारी में 5 फूल थे, तो आपने 3 को 5 से गुना कर दिया और बोला टोटल सर हमारे पास 15 फूल है। तो उस तरीके से आप क्या करोगे, टोटल 42 कार्ड है, प्रत्येक में अगर 15 स्टिकर है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 42 में 15 से गुना कर दोगे, है ना। सीधे सीधे जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको यही बोला जाए कि 42 में 15 से गुना करो, एक लैंग्वेज देकर लिखा जा सकता है ना, लैंग्वेज लिखा जा सकता है। आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर गुना करोगे कि क्या करोगे, है ना। तो आप 42 को 15 से गुना करो, तो 2 तरीके हैं। अगर मैं 42 को 15 से इस तरीके से गुना कर रहा हूँ, मैं 42 लिखा ऊपर में, नीचे मैं 15 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 5 दूनी 10 का 0 लिखा, 1 हासिल लिखा, 5 चौके 20 और 1 21, तो आप लिखोगे 210। फिर 1 को गुना करोगे 2 के साथ तो 2 मिलेगा, 1 को 4 से गुना करोगे 4 मिलेगा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 0, 3, 6, 630 हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है? या मैं दूसरे तरीका से भी इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, है ना। सेकंड मेथड से आप क्या करोगे, आप इस तरीके से अगर आप गुना करोगे, बोलोगे सर 15 का टेबल तो मुझे याद है, तो 15 को 2 से गुना किया, 15 दूना 30, है ना, 15 दूना 30 लिखोगे, 30 का सिर्फ 0 मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ 0, 3 हमारा हासिल रहा, मन में रहा 3, 15 को 4 से गुना किया, 15 चौके 60, 60 में 3 को जोड़ा 63, 630। तो देखो एक स्टेप में आंसर आ गया 630, है ना। तो काफी टाइम आप सेव कर सकते हो इस वाले मेथड, टाइम बचा सकते हो, इतना क्लियर, ये कर लेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी हमारा सही था, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, इसको आपको गुना करना है एक 3 अंकों की संख्या से, ठीक है, तो इसको गुना करने का क्या तरीका है, ठीक है, एक उदाहरण से सीख लेते हैं। जैसे आपको बोला जा रहा है कि 357 को 160 से गुना कीजिए, 357 को 160 से गुना करना है, या बोलिए मुझे अगर मैं ऐसा लिख दूं तो सही होगा क्या, 160 गुना 357, ये दोनों सेम होंगे या नहीं, ये बताइए, यस या नो, सेम होंगे। पहले कुछ भी लिख सकते हैं, 357 को 160 से गुना कीजिए, या 160 को 357 से गुना कर, पहले कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिखोगे 357 into 160। आप क्या करोगे, जो नंबर जो नीचे लिखा हुआ है, अच्छा ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, नीचे 357 लिखो या नीचे 160 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। पहला नंबर जो 0 आपको दिख रहा है, तो आपने सबसे पहले इस 0 को लिया, है ना, सबसे पहले आपने इस 0 को लिया। अब इस 0 से क्या करोगे, इस 0 को गुना करोगे 7 के साथ। मुझे बताइए 0 को किसी भी संख्या से गुना करके क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो 0 को आप किसी भी संख्या 7 से गुना किया तो भी 0 मिलेगा, 0 को आप 5 से गुना करोगे तो भी 0 मिलेगा, 0 को आप 3 से गुना करोगे तो भी 0 मिलेगा, है ना, किसी भी संख्या से गुना करो 0 मिलेगा। तो आप बोलोगे 0 को 7 से गुना किया सर 0 मिला, 0 को 5 से गुना किया तो भी 0 मिला, 0 को 3 से गुना किया तो भी 0 मिला, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि 0 को तीनों ही नंबर से आपने जब गुना किया तो आपको 0 मिल गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब मैं अगले वाले नंबर को उठा रहा हूँ, ठीक है, इस 6 को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अगला संख्या, क्योंकि 3 के आगे और कोई संख्या नहीं है जिससे हम लोग 0 को गुना करें, 0 को 7 से कर दिया, 5 से कर दिया, 3 से कर दिया, और कोई संख्या नहीं था। अब मैं 6 को ले रहा हूँ, तो अब 6 को आप गुना करो 7 से, तो मुझे बताइए 6 को 7 से गुना करके क्या मिलेगा, 6 गुना 7 कितना होगा, 42। 42 में आप क्या लिखोगे, सिर्फ 42 का मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, 42 का मैं 2 लिख रहा हूँ, और कहाँ लिखूंगा, देखो एक क्रॉस लिखोगे यहाँ पर, एक अंक छोड़कर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखोगे, ठीक है। अभी जो 4 था, ये 4 हमारे पास हासिल है, ठीक है, ये 4 हासिल है, ठीक। 6 को गुना करो 5 के साथ, 6 25 30, 6 को 5 से गुना किया 30 आया, क्लियर है।
6 × 5 = 30 में 4 को जोड़ दो, है ना। 6 × 5 = 30 में 4 को आपने जोड़ा तो आपको क्या मिला, 34। 34 में आप इस 4 को लिखोगे फिर से, सिर्फ एक अंक लिखते हैं, ठीक है, 4 को लिखेंगे। ये जो 3 रहा, ये 3 फिर से हमारे पास हासिल रहा, ठीक है। इतना लिखना नहीं है, ये बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये 3 हासिल रहा। अब क्या करूंगा, आगे एक और संख्या, 6 × 3 = 18। 6 को 3 से गुना किया और 18 मिला। 18 में इस 3 को आप जोड़ दो, 18 में आप अगर 3 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 19, 20, 21, है ना। तो आप बोलोगे 21 मिला सर। ये क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइए। यहां तक सभी ने कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप क्या करोगे, अब दो क्रॉस लगाओगे अब, ठीक है। दो क्रॉस लगाते हैं, एक बार पहले बार में क्या किया, एक क्रॉस लगाया, दूसरे बार में दो क्रॉस लगाएंगे। अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये वाली जो संख्या आपको दिख रही है एक, अब आप एक को लोगे, अब एक को गुना करोगे 7 के साथ, तो एक को 7 से गुना किया, यहां पर 7 लिखोगे, ठीक है। अब एक को 5 से गुना करोगे, आप यहाँ पर 5 लिखोगे। एक को आपने 3 से गुना किया, 3 लिखा, क्योंकि आपको पता है कि एक को किसी भी संख्या से गुना करते हैं वही संख्या रिपीट हो जाती है। अब क्या करोगे, इन सभी को आप जोड़ दोगे, है ना, ये जितने भी नंबर है सभी को जोड़ोगे। तो आप 0 क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है, नीचे भी क्रॉस है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिखोगे। 0 और 2 को जोड़कर यहाँ पर 2 मिल रहा है, ठीक है। 7 और 4 को जोड़ोगे तो 11 मिलेगा। 11 का सिर्फ और सिर्फ मैं 1 लिख रहा हूँ, बाकी जो 1 आया उसको मैं यहाँ पर हासिल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस 3 को जोड़ोगे तो 1 और 1 2 हुआ, 2 और 5 7 हुआ, ठीक है। 3 2 को जोड़ा तो 5 आया, तो आंसर कितना आ रहा है, 57120, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 57120, ठीक है। ये समझ में आया क्या सभी को, ये बताइए। इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, ये मेथड तो सभी को जानना है, ये ध्यान से समझिएगा। ये मेथड जो था, ये हमारे पास मेथड 1 था, ये तो सभी को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा चल जाएगा, ठीक है। ये कोई भी संख्या हो 3 अंकों की, ये हमेशा लगेगा, ठीक है। 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों से गुना करना हो तो ये वाला मेथड तो हमेशा वैलिड होगा, ठीक है, ये हमेशा वैलिड होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको मिले ना, 357 × 160, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ये समझिएगा। अगर मैं लिख दूं 357 × 160, बताइए यहां पर किसी एक अंक के बाद में, मतलब किसी एक संख्या में लास्ट डिजिट 0 दिख रहा है। आप बोलोगे सर अंतिम में यहां पर 0 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए, अगर मैं 30 की गुना करूं 40 के साथ तो क्या होगा, 30 की आप 40 से गुना करके क्या आंसर बताओगे, जो मैं पूछ रहा हूं बस उतना बता दो। आप बोलोगे सर 3 की 4 से गुना करेंगे, और बोलोगे सर यहां पर लिखेंगे 12। 2 0 दिख रहा है हमें, 1 0 यहां पर 3 के बाद, 1 0 4 के बाद, तो 2 0 यहां पर लगा दोगे आप। ये आपको पहले बता चुका हूं कि 0 को छोड़कर आप गुना कर दो, उसके बाद जितने 0 हैं लगा दो, ठीक है। तो आप क्या करो, मेथड 2 सीख रहे हैं हम लोग, कि इस क्वेश्चन को हम लोग और ऐसे भी कर सकते थे। आप कहोगे 357 को आप सिर्फ 16 से गुना कर दो, ठीक है, 16 से गुना करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। आपको 16 का टेबल याद है ना, ये वाला तरीका मैं कर रहा हूँ, 16 का टेबल याद है। आप बोलोगे सर 16 सत्य कितना होता है, 16 सत्य कितना होगा, जल्दी से बताइए। 16 सत्य, 16 के 7 से गुना करोगे, आप बोलोगे 16 सत्य 112। अब 112 नहीं लिखेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ एक अंक लिखोगे, सिर्फ 2 को लिखोगे, है ना, सिर्फ एक अंक लिखेंगे 2, तो यहां पर लिख दोगे 2, ठीक है। बाकी जो 11 यहां पर रह गया, ये 11 हमारा क्या हो गया, हासिल है, 11 हमारे पास हासिल है, ठीक है, ये हासिल है। अब क्या करोगे, 16 के गुना करोगे 5 के साथ, 16 × 5 कितना होता है, 16 × 5 = 80, ठीक है, 16 × 5 = 80, और 80 को इस 11 में आप जोड़ दोगे, तो 80 को 11 में जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 91, ठीक है। अब ये जो 91 आपको दिख रहा है ना, इस 91 का मैं सिर्फ 1 लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ 1 लिख रहा हूँ, और ये जो 9 दिख रहा है आपको,
ये 9 हमारा हासिल रह गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर 91 आया था और इस 91 में 9 जो है हमारे पास हासिल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 16 के गुना करो 3 के साथ, 16 तीन 48, 16 तीन 48, और 48 में इस 9 को जोड़कर बताइए कितना आ रहा है, ये 57 आ रहा है। आप बोलोगे सर यहां पर लिख देंगे 57। तो आपने यहां पर क्या देखा कि 357 की आप अगर गुना कर रहे हो 16 के साथ, तो ये आंसर आ रहा है 5712। आप अगर यहां पर एक जीरो लगाते हो, 16 के बाद आपने एक जीरो लगा दिया, तो लास्ट में एक जीरो लगा दो, तो आंसर देखो वही वाला आया। तो आप ये मेथड तो इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन में, ये क्लियर हुआ, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, हाँ या ना ये बताइए। लेकिन बस इतना मुझे बताओ कि क्या ये मेथड हमेशा कर पाओगे आप, क्या ये ऑलवेज यूज होगा? नहीं, ये ऑलवेज नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों से गुना करना हो, जरूरी नहीं है कि लास्ट में जीरो हो, है ना। यहाँ पर जीरो था इसलिए हमने ऐसे कर लिया, या जरूरी नहीं है कि आपको टेबल याद हो, है ना। तो ऊपर वाला जो मेथड था ये तो आपको जानना जरूरी है ना, ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया। अब आपको ये समझना है कि कभी भी आप अगर दो नेचुरल नंबर या दो होल नंबर को गुना करोगे, या दो से अधिक नेचुरल नंबर को भी आप गुना करोगे, दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को गुणन करेंगे, तो जो आंसर मिल रहा है वो भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे कि आप देखो, दो को आपने बोला कि पूर्ण संख्या है, जीरो भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो गुना करके दो और जीरो को गुना किया तो जीरो आया, और ये भी आपको दिख रहा है कि ये भी एक पूर्ण संख्या ही है ना, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो कभी भी आप अगर कुछ प्राकृतिक या कुछ पूर्ण संख्या को गुना करोगे तो पूर्ण संख्या ही आएगा। 5 को बोलोगे सर क्या है, प्राकृतिक है या पूर्ण है, कुछ भी कह सकते हो, 2 भी प्राकृतिक है या पूर्ण है, तो 10 जो आंसर मिल रहा है ये भी आप कहोगे कि ये भी सर पूर्ण मिल रहा है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो होल नंबर को आपने गुना किया, जो आंसर मिल रहा है वो होल नहीं होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो आप गुना कर रहे हो 5 गुना 2 गुना 4, ठीक है। इसको आप गुना करोगे, क्या करोगे, 5 गुना 2 10, 10 गुना 4, तो ये 40 मिल रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 पूर्ण संख्या को गुना किया, तो जो आंसर आया ये भी पूर्ण संख्या ही आया। क्लियर है? 2 से ज्यादा पूर्ण संख्या को भी आप गुना करोगे तो आंसर पूर्ण संख्या ही आएगा या प्राकृतिक संख्या ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए, आपको बिल्कुल समय दिया जा रहा है, सभी लोग ट्राई करो सॉल्व करने की। सभी लोग ट्राई करेंगे, 513 को 136 से गुना करना है बस, और कुछ नहीं करना। फाइव हंड्रेड थर्टीन इंटू 136 आप गुना करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। बैठे नहीं रहना है, कॉपी पेन है आपके पास, सॉल्व करिए, गुना करिए, बिल्कुल समय दिया जा रहा है, जितना भी आपका समय लगेगा। ठीक है, अभी काफी कम आंसर आए हैं लेकिन सभी के आंसर सही आए हैं, एक भी आंसर अभी तक भी गलत नहीं हुआ है, ठीक है।
अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है तो ट्राई करो, बिल्कुल अभी एंड नहीं किया जा रहा, बिल्कुल समय है, क्योंकि तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन काफी लोगों ने कर दिया है। ठीक है, जिनका हो गया थोड़ी देर वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे हो जिनका आंसर नहीं हुआ है, कुछ बच्चों को समय लग रहा है। ठीक है, ट्राई करो। पांच बच्चे और बाहर बचे, ठीक है, 5 और हो, जल्दी से आंसर करो। बाकी सभी ने आंसर दे दिया और आंसर सिर्फ एक आंसर गलत आया है, बाकी सभी के आंसर सही है। ले 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड और। जल्दी से आंसर कीजिए, जिनका भी नहीं हुआ है, अगर आप सोल्व कर रहे हो कोशिश करो करने। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना है, पूरा मेथड देखिएगा, 513 को 136 से बस गुना करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां पर ना ही 513 का टेबल याद है आपको, ना ही 136 का टेबल याद है, ना आपको ना मुझे याद है। ठीक है, 513 का भी टेबल नहीं याद है, 136 का भी टेबल नहीं याद है। तो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 5, 1, 3, नीचे लिख दिया 1, 3, 6, यहां पर गुना का साइन लगाओगे, है ना, ऐसे लिखा गया। सबसे पहला संख्या 6 है, 6 को गुना करोगे 3 के साथ, 6 18 का 8 लिखा, 1 हासिल। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये सारी चीजें सिखाई जा चुकी है। ठीक है, फिर लिखोगे 6 एकम 6, अगला संख्या 1 से गुना किया, 6 एकम 6 और ये 1, तो ये लिख दिया 7। ठीक है, 6 को 5 से गुना किया, 6 पंजे 30, तो बताइए इतना सभी का आया था, हाँ या ना, 3078 आया, ये ठीक है। अब क्या करोगे, यहां पर क्रॉस लगाओगे। ठीक है, अब 3 से गुना करोगे, 3 3 9, है ना, 3 की 3 से गुना किया 9 मिला, 3 को 1 से गुना करोगे मिला 3, 3 को 5 से गुना करोगे मिला 15। ठीक है, तो 1539 आया। अब क्या करेंगे, 2 बार क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, पहले 1 बार लगाया, फिर अब 2 बार क्रॉस लगाएंगे, 1 के गुना करोगे 3 के साथ तो 3 आया, 1 के गुना किया 1 के साथ तो आपको 1 मिला, 1 को गुना किया 5 के साथ तो आपको 5 मिला। अब क्या कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, है ना, सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखिए क्या हो रहा है, 8 नीचे क्रॉस है 2, तो आप सीधे 8 लिख दोगे। 7 और 9 को जोड़ा, तो ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है ना, 7 और 9 को जोड़ा तो आपको 16 मिलेगा, तो 16 का सिर्फ मैं 6 लिख रहा हूँ, 1 जो है 1 हासिल रहेगा। अब 1 हासिल, 3 और 3 को जोड़ा 6, और ये जो 1 हासिल था वो आ गया हमारे पास 7, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, अब 7 लिख दिया, कोई भी हासिल नहीं बचा। अब इन सभी को जोड़ोगे, 5 3 8 1 9, ठीक है, और 5 और 1 को जोड़ा तो 6, तो आपको मिल कह रहा है 6 9 7 6 8, है ना, तो आपको आंसर मिल रहा है 6 9 7 6 8, ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये क्लियर है, हाँ या ना, सभी का आंसर था बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, मैक्सिमम सभी के आंसर थे, 1 या 2 ही आंसर गलत था, बाकी सभी के आंसर सही थे। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आपको देखनी थी। अगला ये क्वेश्चन कीजिए, 31 को 1000 से गुना करना है, ट्राई करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में उतना समय नहीं लगेगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसको आप देखकर 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो, और जब जैसा कि मैंने बोला आंसर आ भी गया। ठीक है, तो एक आंसर आ गया, बाकी सभी लोग करिए। ठीक है, अब काफी लोग के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग करिए, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, काफी अच्छी बात है।
अभी पांच बच्चे और बच रहे हो, ठीक है, सिर्फ पांच बच्चे हो, तो अभी मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, ऐसे इतनी जरूरत नहीं है समय की। अच्छा, भारत सिंह के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है, तो आप सबसे पहले तो अपना कैमरा बंद करिए, आप अपना कैमरा बंद कर लो। नहीं सर, मैं अच्छा आफाक, आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? चला जी, मेरा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लग रहा जी क्वेश्चन मेरा अच्छा थोड़ी है। देर में मैं पोल को एंड करूंगा ना। अच्छा आप पहले सुन लो, अभी मैं थोड़ी देर में पोल एंड करूंगा, चैट ऑन कर दूंगा, फिर आप चैट में बता देना लिख के, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कट रही है, ठीक है। चलिए अभी आप चैट में लिख दो, चैट देखो आपका ऑन है। अफाक आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है, 31 को अगर 1000 से गुना करना है, आप सीधे बोलोगे 31 को सर अगर 1000 से हमें गुना करना हो तो आप क्या करोगे? सिर्फ 31 की एक से गुना कर दो, 31 की एक से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे 31 मिलेगा, यहाँ पर 3 जीरो है तो आप यहाँ पर 3 जीरो लगा दोगे, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सभी के सही थे। तो जितने भी आंसर आए थे सभी के आंसर सही थे, ठीक है, 31,000 आए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगर मैं बोलूं कि 8 को 1000 से गुना करो, आप क्या करोगे? 8,000 है ना। अगर मैं बोलूं 20 को 1000 से गुना करो, आप क्या करोगे? 20,000 है ना। तो 20 लिखा, 3 जीरो यहां था, 3 जीरो यहां लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 31 की आप गुना करो 3,000 से, इसका आंसर बताइए, जो मैं अभी लिखाऊं क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। 31 को अगर आपको 3,000 से गुना करना तो आप क्या करोगे? 31 की बस 3 से गुना कर दो, आप 0 को रहने दीजिए, ठीक है, 31 को आप 3 से गुना करोगे कितना मिलेगा? तो आप 31 को अगर 3 से आपने गुना किया तो 3 एकम 3, 3 3 9, 93 मिलेगा, तो यहां पर आप लिख दोगे सर 93, ठीक है, यहां पर आपने 93 लिखा। 0 कितना लगाओगे? यहां पर 3 जीरो है ना, आप बोलोगे 3 जीरो लगा देंगे, तो 93,000 आंसर हो जाएगा, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए तो अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो अभी रुक के पूछ सकते हो आप, होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करना है, ठीक है।